हेलो दोस्तों, आप सभी को मैं नमस्कार। आप सभी का रिटेल स्मार्ट इन्वेस्टर यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज इस इंटरेस्टिंग वीडियो में हम लोग बात करेंगे बर्जर पेंट के बारे में, जो कि 716 रुपए पर क्लोजिंग दिया था लास्ट ट्रेडिंग डे में। आज इसके फुल वीडियो में हम लोग आज ये जानने की कोशिश करेंगे कि बर्जर पेंट के फिनेंशियल कैसे हैं, इनके जो टेक्निकल चार्ट हैं वो क्या सजेस्ट कर रहे हैं, और इसके जो प्राइस पैटर्न है आने वाले दिनों में किस प्रकार से चेंज हो सकते हैं। इन सारी बातों पर हम लोग इस इंटरेस्टिंग वीडियो में बात करने जा रहे हैं। और बहुत सारे जो निवेशक हैं दोस्तों, वो बर्जर पेंट में काफ़ी ऊपरी स्तरों में, यानी कि 822 रुपये के आसपास ये फंस चुके हैं, और उसके बाद ये स्टॉक लगातार करेक्शन मोड में चल रहा है। यहाँ पर देखिए, ये लगातार ऊपरी स्तरों से करेक्शन मोड में चल रहा है। तो काफी निवेशक इस स्टॉक को लेकर के काफी परेशान है कि अब इस स्टॉक में क्या करना चाहिए, ये और कितना करेक्ट करेगा और कब इसमें वापस तेजी आएगी। इन सारी बातों को वो समझना चाह रहे हैं। लेकिन बर्जर पेंट के जो मंथली चार्ट है, जैसा कि हम लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसके चार्ट को देखने से ही पता चलता है कि बर्जर पेंट लगातार बुलिश फेज में चल रहा है। ये लगातार हायर हाई हायर लो लगा रहा है और काफी बुलिश फेज में चल रहा है ओवरऑल ट्रेंड की बात करें तब। लेकिन फिलहाल इसमें गिरावट देखने को मिल रही है। तो अब हम लोग कैसे जाने कि आने वाले दिनों में इसके जो शेयर प्राइस हैं वो कैसे बदल सकते हैं। तो दोस्तों, मैंने अपने सारे वीडियो में यही बताया है कि जिस भी कंपनी के फंडामेंटल से काफी अच्छे होते हैं, उनके शेयर भाव लगातार बढ़ते रहते हैं। हालांकि मार्केट में गिरावट के साथ या कुछ कारणों से स्टॉक स्पेसिफिक करेक्शन भी देखने को मिलता है, उसके विभिन्न कारण हो सकते हैं। लेकिन जिस कंपनी के फंडामेंटल्स मजबूत होते हैं, उसमें वापस फिर से तेजी आती है और वो लगातार नई हाई लगाता रहता है। तो आज हम लोग बर्जर पेंट के फंडामेंटल्स को चेक करते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि इसके फंडामेंटल्स कैसे देखने को मिल रहे हैं। स्क्रीन पर दोस्तों, हम लोग बर्जर पेंट के पिछले 11 सालों का एनुअल रिजल्ट देख रहे हैं, और अगर इसके सेल्स फिगर को ध्यान में रखा जाए तो ये देखिए, इनके सेल्स जो हैं लगातार बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। ये देखिए, कभी भी इसमें गिरावट देखने को नहीं मिली है पिछले 11 सालों में। और अगर ओवरऑल बात किया जाए कि पिछले 11 सालों में इनके सेल्स कितने बढ़े हैं, तो FY9 के रेस्पेक्ट में FY20 में इसके जो सेल्स हैं लगभग 4 गुना बढ़ते हुए हम लोगों ने देखे हैं। अगर नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो इनके नेट प्रॉफिट भी देखिए लगातार ये बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। कभी भी इसमें कोई बहुत ज्यादा गिरावट देखने को नहीं मिली है। और अगर ओवरऑल बात की जाए 2009 से 2020 के बीच इनके जो नेट प्रॉफिट हैं कितने बढ़े हैं, तो ये तकरीबन 8 गुना से बढ़ते हुए हम लोगों ने देखे हैं। तो इनके 11 साल में सेल्स बढ़े 4 गुना और नेट प्रॉफिट बढ़े 8 गुना, तो ये काफी अच्छी बात है जो कि मजबूत फंडामेंटल को ये दर्शाती है। और अगर इसके इंटरेस्ट बर्डन की बात की जाए कि इंटरेस्ट बर्डन इसके कैसे देखने को मिले इन 11 सालों में, तो ये देखिए, इनके इंटरेस्ट बर्डन भी जो है काफी हेल्दी लेवल पर मेंटेन है, जो कि इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट के सामने नेग्लिजिबल है। कहने का मतलब यह है कि इनके जो डेट पेइंग कैपेसिटी है वो काफी तगड़े हैं। ये अपने कर्ज को और उसके इंटरेस्ट को ये कभी भी पे कर सकती हैं। अब बात करते हैं दोस्तों, बैलेंस शीट में इनके रिजर्व बढ़ रहे हैं या नहीं। ये देखिए, इनके रिजर्व साल दर साल लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, कभी भी इसमें गिरावट देखने को नहीं मिली है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि इस कंपनी के सेल्स भी बढ़ रहे हैं, नेट प्रॉफिट भी बढ़ रहे हैं, रिजर्व भी बढ़ रहे हैं, तो ये कंपनी के फंडामेंटल्स काफी अच्छे हैं। और अगर हम लोग इसके डिविडेंड की बात करें, डिविडेंड ये कंपनी देती है कि नहीं, तो ये देखिए, ये कंपनी लगातार डिविडेंड दे रही है और इसने बोनस भी दिया है। तो हम लोग ये कह सकते हैं ये कंपनी के फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं। अब बात करते हैं, जब इसके फंडामेंटल्स इतने अच्छे हैं पिछले 11 सालों में, तो ये रिटर्न कितना दी अपने निवेशकों को। तो यहाँ पर देखिए,
रिटर्न की बात करें तो पिछले एक साल में ये तकरीबन 52% का रिटर्न दिए, पिछले तीन साल में 191% का, पिछले पांच साल में 323% का, पिछले दस साल में 2293%। यानी कि ये पिछले दस सालों में अपने निवेशकों का पैसा ये तकरीबन 24 गुना करके लौटा चुकी है। तो आप जैसा कि दोस्तों देखे अभी कि फंडामेंटल्स के काफी अच्छे थे, साल दर साल इनके रिजल्ट काफी अच्छे आए थे, तो इसने रिटर्न भी अपने निवेशकों को बहुत तगड़ा दिया है लंबे समय में। तो अब बात करते हैं दोस्तों कि इस शेयर में गिरावट क्यों हो रही है। तो इसके जो क्वार्टरली रिजल्ट हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं कि इसके क्वार्टरली रिजल्ट कैसे आए हैं, वहां से हम लोगों को कुछ इंडिकेशन देखने को मिल जाएगा। तो इसके जो क्वार्टर थ्री के नतीजे आए थे दोस्तों, उसको हम लोग कंपेयर करें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर, तो यहाँ पर देख रहे हैं सेकेंड क्वार्टर के रेस्पेक्ट में थर्ड क्वार्टर में इनके नेट सेल्स में तकरीबन 22% का ग्रोथ देखने को मिल रहा है। वहीं अगर कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट की बात करें तो सेकेंड क्वार्टर के रेस्पेक्ट में थर्ड क्वार्टर में इनके नेट प्रॉफिट में तकरीबन 24% का जंप देखने को मिल रहा है। तो इसके जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं वो काफी अच्छे देखने को मिल रहे हैं। अब हम लोग दोस्तों ईयर ऑन ईयर रिजल्ट को भी मिला लेते हैं कि वो कैसे आए हैं, तो वहां से भी कुछ पता चलेगा। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, इनके लास्ट ईयर दिसंबर क्वार्टर से इस बार के दिसंबर क्वार्टर में हम लोगों को नेट सेल्स में तकरीबन 25% का तगड़ा जंप देखने को मिल रहा है। और वहीं पर नेट प्रॉफिट की बात करें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस में इनके नेट प्रॉफिट में तकरीबन 51% का तगड़ा जंप देखने को मिल रहा है। इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं कि बर्जर पेंट का क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर दोनों ही बेसिस पर इनके क्वार्टरली रिजल्ट काफी शानदार देखने को मिल रहे हैं। तो अभी तक हम लोगों ने देखा दोस्तों कि इसके एनुअल रिजल्ट काफी शानदार रहे हैं, क्वार्टरली रिजल्ट भी शानदार रहे हैं, तो फिर इस स्टॉक में गिरावट क्यों आ रही है। जैसा कि दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि बर्जर पेंट इंडस्ट्री से आती है और इसके जो रॉ मटेरियल होते हैं वो क्रूड ऑयल होते हैं। और जैसा कि हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों कि क्रूड ऑयल के प्राइस जो है लगातार काफी तेजी से बढ़ते हुए हम लोग देख पा रहे हैं, और अभी क्रूड ऑयल थोड़ा सा साइडवेज मूवमेंट लेता हुआ देखने को मिल रहा है। लेकिन जिस प्रकार के सिचुएशन बन रहे हैं, बाजार ये मान के चल रहा है कि क्रूड ऑयल में जो तेजी बन रही है वो आने वाले दिनों में भी जारी रहेगी, और जिसके वजह से पेंट इंडस्ट्री या कोई भी ऐसे स्टॉक जो कि क्रूड ऑयल रॉ मटेरियल के तौर पर यूज करते हैं, बाजार ये मान के चल रहा है कि क्रूड ऑयल की तेजी के चलते इन स्टॉक के जो मार्जिन है वो हम लोगों को आने वाले समय में घटते हुए देखने को मिलेंगे। इस वजह से दोस्तों इन शेयर के जो बर्जर पेंट के रिजल्ट काफी अच्छे होने के बावजूद इसमें हम लोग गिरावट देख रहे हैं। तो अब हम लोगों को दोस्तों क्या करना चाहिए, क्या यहाँ से स्टॉक बेच करके निकल जाना चाहिए? तो ऐसा नहीं है दोस्तों, मजबूत फंडामेंटल वाले स्टॉक में भी करेक्शन देखने को मिलता है। एक स्पेसिफिक सेक्टर के लिए करेक्शन का कारण बना है क्रूड ऑयल। तो इस प्रकार के करेक्शन में हम लोगों को जो नए निवेशक हैं इस प्रकार के सिचुएशन में इस तरह के स्टॉक में पोजीशन ले सकते हैं। अब बात करें कि स्टॉक कहां तक गिर सकता है, तो मंथली चार्ट में अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो यहां पर जो हम लोगों ने स्ट्रांग सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस खींच रखा है, तो यहां पर जो स्थिति बन रही है तो 643 का एक लेवल बहुत अच्छा लेवल है कि अगर इन स्तरों पर बर्जर पेंट आता है तो इस स्तर पर अगर हम लोग खरीदारी करके चलें और लंबे समय तक बने रहें तो बर्जर पेंट में आने वाले दिनों में जब भी तेजी लौटेगी तो ये काफी ऊंचाई पर जा सकता है, ऐसा इसके जो फंडामेंटल्स हैं और टेक्निकल हैं वो सजेस्ट कर रहे हैं। बाकी दोस्तों और भी बहुत सारे इंडिकेटर हम लोगों ने लगा रखे हैं कि बर्जर पेंट इतनी गिरावट के बावजूद अपने 50 डेज एमा, 100 डेज एमा और 200 डेज एमा से काफी ऊपर जा करके ट्रेड कर रहा है, जो कि इसके स्ट्रांग बुलिश पैटर्न को दर्शाता है। तो हम लोगों को दोस्तों इंतजार रहेगा कि अगर क्रूड ऑयल में और तेजी आती है तो बर्जर पेंट, एशियन पेंट जैसे शेयर और भी नीचे स्तरों पर जाकर के ट्रेड करते हुए हम लोग देख पाएंगे, और बर्जर पेंट में हम लोगों को 643 रुपीज के आने का इंतजार करना पड़ेगा। तो उम्मीद है दोस्तों कि मेरा ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग लगा होगा, और आपको बर्जर पेंट के बारे में और भी कोई जानकारी है आपके पास
और आप मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर अपना कमेंट छोड़ें, और आपकी भी अगर कोई व्यू है वर्जर पेंट के बारे में तो उसे भी मेरे साथ शेयर करें मेरे कमेंट बॉक्स में जा करके। और उम्मीद है दोस्तों आप मेरे नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करेंगे, तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।